YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। मार्केट में लगातार गिरावट देखने मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो हर गिरावट पे ब्लू चिप कंपनी को बाय करना है। जिस ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स आपको काफी महंगे लग रहे थे, जिसे आपने बाय नहीं कर सका था, तो अभी आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर वो स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। इस गिरावट का आपको फायदा लेना है और ब्लू चिप कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। यहाँ पर देखिए, जो निफ्टी है वो गिरावट के बाद 200 डेज का जो SMA है वहां पर पहुंच चुका है, मतलब 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास पहुंच चुका है। यहाँ पर हो सकता है जो निफ्टी 50 है हमारा, यही पर कहीं पे आसपास बॉटम बनाए, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर। देखिए, हम मुख्य रूप से प्राइस एक्शन का यूज करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ साथ 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हो सकता है कि आसपास बॉटम बनाए या 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, तो यहाँ से एक शार्प करेक्शन भी हमें देखने मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो देखिये, ये ट्रेंड लाइन तो यहाँ पर रेसिस्टेंस है ही, साथ ही साथ अब जो रेसिस्टेंस का यहाँ पर काम करेगा, ये जो लाइन है ये एक जबरदस्त यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो कि है 16,970 का। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं चला जाता है, तब तक अब हम बुलिश नहीं होंगे। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दिखाए, या हो सकता है हम यहाँ पर एक बार इस ट्रेंड लाइन को टच करें, चाहे इस रेसिस्टेंस लाइन को टच करें, फिर नीचे आए। यहाँ पर यह थोड़ा सा साइडवेज होने का ज्यादा चांस है, तो यहाँ पर जो हमारा मार्केट है वो थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना है, जो स्टॉक काफी सस्ते हो चुके हैं, काफी फंडामेंटली सॉलिड है, और जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं तो उसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जैसे HUL हो गया, देखिए 200 मूविंग एवरेज के काफी नीचे है, तो यहाँ जैसे जैसे गिरावट होता है आप अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे क्वांटिटी को ऐड कीजिए। जैसे आपको 100 क्वांटिटी लेना है तो 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी एक बार में गिरावट पे लीजिए, ताकि एवरेज प्राइस पर आपको काफी नीचे स्टॉक्स मिले। फिर देखिए, यहाँ पर काफी डिस्काउंट पे ये मिल रहा है, 2850 रुपीज का इसका हाई है, तो वहां से काफी डिस्काउंट पे ये 2200 के आसपास आया था, तो काफी डिस्काउंट पे स्टॉक्स मिल रहा है। तो इसी तरह के जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, जैसे रिलायंस हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, आपको TCS हो गया, इसको पोर्टफोलियो में एड करते जाइए। इसी तरह के मार्केट अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।